बनाएंगे सब्जियों का अचार। ये सर्दियों में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके लिए हमने लिया है गोभी, मूली, गाजर, अदरक, हरी मिर्च और मटर के दानों को हमने छील के रख लिया है। अब हम इन सारी सब्जियों को छोटे छोटे पीस में काट के अच्छे से पानी में धुल लेंगे। हमने सब्जियों को काट लिया है और हम मिर्च को ऐसे भी डाल सकते हैं और काट के भी डाल सकते हैं, जैसे भी आप डालना चाहें। अब इन सब्जियों को हम पानी में धुल के 2-3 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे। अचार के लिए हमने अपनी सब्जियों को सुखा लिया है, ये सूख के तैयार हो गई हैं। इसके लिए चाहिए हमको राई, जो काली सरसों होती है, और सौंफ, जीरा, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। अब हम इन तीनों मसालों को तवे पर बिना तेल के धीमी आंच में हल्का सा भून लेंगे। हमें इन मसालों को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा ही भूनना है। अब हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इनको ठंडा होने पर मिक्सी में हल्का दरदरा करके पीस लेंगे। हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब इनको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। हमारी सौंफ और जीरा पिस गया है, हमको इसको ऐसे ही पीसना है, बहुत ज्यादा महीन नहीं पीसना, ना ही बहुत मोटा रखना। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल ले रहे हैं। अब हम राई को भी पीस के इसी में मिला लेंगे। अब हम इन पिसे हुए मसालों में डालेंगे 1/2 कप सफेद सिरका, 1 कप सरसों का तेल, 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच नमक। अब हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। हमारे मसाले मिल गए हैं, इसमें डालेंगे अब हम सब्जियां। सब्जियों को डाल के अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इनको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल के रख लेंगे। आप इसको किसी डिब्बे में या किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे या कांच के किसी भी डिब्बे बर्तन में रख सकते हैं और ये 2 से 3 दिन बाद खाने लायक हो जाएगा। अचार बनकर एकदम तैयार हो चुका है। डिब्बे को ढक्कन बंद करके रख देंगे, 2 से 3 दिन बाद ये खाने लायक हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।